अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चीज़ टोस्ट सैंडविच मेरे तरीके से। तो चलिए फिर उसी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो ये है कि 1.5 किलो जितना बोनलेस चिकन है, इसको मैंने एकदम ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे, देख सकते हो आप, ऐसे टुकड़ों में कट कर ली हूँ और अच्छे से धो ली हूँ इसको। और इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है वेजीज़ में मैंने कैबेज ली हूँ 1.5 टुकड़ा जितना, और एक छोटा सा ऑनियन ली हूँ, और ये टमाटो भी एक छोटा सा ली हूँ। आप चाहे तो कैप्सिकम भी ले सकते हो और कॉर्न भी ले सकते हो। कैप्सिकम मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसका अवॉइड की हूँ। तो आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज डाल सकते हो। और ये एक थोड़ा सा मुझे नींबू का रस लगेगा इसमें, तो ये मैंने एक हाफ नींबू ली हूँ, इसकी मैंने सीड्स निकाल दी हूँ। और ये 1 टेबल स्पून कट करके लहसुन का पेस्ट है। और आइए अभी ड्राई स्पाइसेस देख लेते हैं। ये चिली फ्लेक्स ली हूँ मैंने 1 टीस्पून भर के, नमक के टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून भर के, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून भर के, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून भर के, काली मिर्ची पाउडर है 1 टीस्पून कट करके, और ऑरिगैनो है 1 टीस्पून कट करके। अगर आपके पास ऑरिगैनो नहीं है तो मत डालें, ये ऑप्शनल है। और ये मैंने टमाटो केचप ली हूँ 1 टेबल स्पून भर के, और ये मैंने रेड चिली सॉस ली हूँ 1 टेबल स्पून भर के, और ये मैंने सोया सॉस ली हूँ 1 टेबल स्पून कट करके। और मैं इसमें जो चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो ये जो स्लाइस चीज़ आते हैं वो मैं यूज़ करूँगी, और नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है इसी में मैं बनाऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो देखिए, मैंने ये पैन ली हूँ और इसमें तेल डालकर इसको गरम कर ली हूँ। तेल गरम हो चुका है, अभी मैंने गैस का फ्लेम स्लो की हूँ। अभी मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी ये चिकन। याद रहे, चिकन में पानी नहीं होना चाहिए, इसका पानी आप अच्छे से दबा के हाथों से निकाल लीजिए। चिकन के क्यूब्स ऐसे छोटे रखने ताकि ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैं इसको अलग से गलाने वाली नहीं हूँ। तो आप चिकन के पीसेस छोटे रखें। इसको स्लोली ऐसे मिक्स करेंगे। इसमें आप चिकन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी रखिए, क्योंकि ये चिकन सैंडविच ही है, वेजीज की क्वांटिटी कम रहेगी चलेगा। चिकन अच्छा भरपूर डालिए। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, 2-3 मिनट ऐसे चलाते रहूँगी ताकि चिकन का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता और ये अच्छे से पक जाए, पकना स्टार्ट हो जाए। देखिए, इस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से ऐसे। देखिए, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखी हूँ। आप देख सकते हो चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, ये कच्चा है और बाकी ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तो अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहेंगे 5 मिनट तक, कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही चलाते रहेंगे इसको, और फिर इसको ढककर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। देखिए, चिकन का पानी कितना रिलीज होने लगा है। अभी मैं इसको स्लो गैस पे ढककर रख दूँगी। तो 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं चिकन कैसा है। तो देखिए, चिकन हमारा 80% जितना तो गल चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए इसके कैसे 2 पीसेस हो गए। देखिए, तो बस इससे ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि अभी सारी वेजीज मसालों में भी वो पूरी तरह से गल जाएगा। अभी मैं गैस का फ्लेम फास्ट करके ये जो पानी है ये सुखा लूँगी। थोड़ा सी पानी रह गया है, ज़्यादा नहीं है बस। तो देखिए, पानी सूख गया है। अभी मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी और इसमें मैं अभी डाल दूँगी पहले अभी जो
प्याज है कटी हुई, ये ऐसे पूरा ऐसे क्रश करके हाथों से पूरे डाल देंगे इसमें। अभी उसी के साथ इसमें ये डाल दूंगी जो लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये नींबू का रस, इस तरह से ऐसे निचोड़ के। नींबू नहीं होता आप सिरके से भी काम चला सकते हैं, बस ऐसे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी ब्लैक सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो है। अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये जो प्याज है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। दो मिनट हो गए, मैंने लिड को हटा दिया। देखिए प्याज भी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अभी इसमें जो वेजीज है ये मैं डाल दूंगी, कैबेज और टमाटर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने सब जो वेजीज थी उसको मैंने अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर ली हूँ। अभी इस स्टेज पे सिर्फ रेड चिली पाउडर और नमक ऐड कर लेंगे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स बाद में डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए रख देंगे। थोड़ा कैबेज को गलाना है, 80% गला लेना है इसको। देखिए मैंने लीड हटा दी हूँ और जो वेजीज है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा आया है। अभी जो सारे ड्राई स्पाइसेस है वो मैं सब एक साथ डाल दूँगी इसमें। ये जो मैंने आप सबको बताई थी इसमें से सिर्फ नमक और रेड चिली पाउडर डाली थी, अभी ये सब भी डाल दूँगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो केचप। पूरा अच्छे से पोंछ के डाल देंगे। अभी इसमें डाल दूंगी रेड चिली सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो गैस का फ्लेम स्लो है। एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैं बना रही हूँ तो थोड़ा हिलता है। आइए चेक कर लेते, 2 मिनट हो गए। देखिए सैंडविच की स्टफिंग कितनी अच्छी बनकर तैयार है, पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तीखा मीठा और चटपटा सा स्टफिंग बनकर रेडी है। अभी मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और इसके अलावा बनाने वाली हूँ ये कांदे के पकौड़े और फालूदा बनाऊंगी। तो चलिए फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस ली हूँ, जो नॉर्मल ब्रेड रहता है वही ली हूँ। अभी मैं इसमें ये पूरी जो फिलिंग है वो कर लूँगी, चिकन की फिलिंग। देखिए ऐसे अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे।
देखिए मैंने इस तरह से अच्छे से फिलिंग कर ली हूँ। अभी मैं इसमें जो चीज़ स्लाइस है मैंने आपको बताई थी वो मैं इस पे ऐसे रख दूँगी। आप चाहे तो कौन सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला, चेडर, कोई भी चीज़। अभी मैं इसको तवे पे, नॉर्मल तवे पे सेकूँगी। आप चाहे तो ग्रिल पैन में भी सेक सकते हैं। देखिए पैन में मैंने तेल डाल दी हूँ। अभी मैं ये जो ब्रेड है वो ऐसा इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी आराम से। गैस का फ्लेम स्लो है, अच्छे से सेक लेंगे दोनों बाजू। इसको मैं स्लो गैस पे 2 मिनट रखूँगी, अच्छे से नीचे ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। देखिए मैंने ब्रेड को इस तरह से सेक ली हूँ। अभी मैंने इसको टर्न कर ली हूँ, टर्न करके भी ऐसे ही सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चीज़ टोस्ट सैंडविच बनकर रेडी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।